भैया पौने 5 लाख रुपए फीस, वीआईटी बन गया है पूरा। ये ईमानदारी की चीज है एसआरएम की, मुझे जो लगती है। हेलो जेएस पेरेंट्स, तो आप सभी के लिए यार एसआरएम की बड़ी डिमांड आ रही थी, इसलिए मैंने एसआरएम पर ये वीडियो बनाई है। और फेज वन इनका हो चुका है, अभी करंट सिचुएशन क्या गोइंग ऑन है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। बिकॉज वीआईटी पे बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई किया और सबको अलॉटमेंट नहीं मिल पाई। सिंपल सा लिमिटेड सीट्स रहती हैं, वहाँ पर कोई मैनेजमेंट कोटा नहीं है, बट एसआरएम कहीं ना कहीं वीआईटी का सब्स्टिट्यूट कहा जाता है। अभी इनका फेज टू रह भी गया है, बिकॉज फेज वन की जो इनकी डेट्स थी वो 20 अप्रैल से 22 अप्रैल के बीच में था। इसके बाद में जो फेज टू की डेट्स हैं, एसआरएम का जो एग्जाम डेट है, अभी तो इनके एप्लीकेशन गोइंग ऑन है, आप एप्लीकेशन जरूर फिल कर दें, 21 जून से 23 जून के बीच में है। 21, 22, 23 तीन दिन है एग्जाम, इनका रिमोटली एग्जाम होगा, घर से आप एग्जाम को दे सकते हैं। एसआरएम पे एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या है, अब इन जनरली बच्चा क्या करता है, वो एसआरएम के लिए एसआरएम एडमिशन आप सर्च करोगे, आप वेबसाइट्स पे जाओगे, यहाँ पर आपको 2-3 तरह की वेबसाइट्स दिख जाती हैं। आपको ये नहीं मालूम आपको अप्लाई कहाँ से करना है। आप देखो पहला जो स्पॉन्सरशिप एड लगा हुआ है srmuniversity.ac.in है, फिर उसके बाद में है applications.srmsit.edu.in, ये वाला जो पोर्टल है ये मेन वेबसाइट है srm की। उसके बाद में srmrmp.edu.in है, ये रामापुरम की है। तो भाई साहब आप जो अप्लाई करना है वो एटलीस्ट मेन कैंपस के लिए अप्लाई करो, किसी और कैंपस के लिए अप्लाई करके मत बैठ जाना, पता चला srm के लिए अप्लाई नहीं किया मेन के लिए और हम मेन कैंपस का वेट कर रहे हैं। आपको वही कैंपस मिलेंगे जिस कैंपस के लिए आप अप्लाई करते हो। srm अंदर पूरा कंप्लीट कैंपस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम समझा देता हूं। पहला जो कैंपस है वो कोलगतूर में है, केटीआर में है। इन्होंने फिर दूसरा कैंपस मोदीनगर गाजियाबाद में ओपन किया, ये इसका ऑफ कैंपस है। एक रामापुरम में है, वो भी ऑफ कैंपस है। एक वडपलानी में है, वो भी ऑफ कैंपस है। ये इनके तीन ऑफ कैंपस है एसआरएम केटीआर के। फिर इन्होंने दो यूनिवर्सिटी ओपन करी, दो यूनिवर्सिटी कहां-कहां पर, एक सोनीपत में, एक एपी में, एक आई थिंक इनका सिक्किम में भी है। तो ये तीन यूनिवर्सिटी है, ये यूनिवर्सिटी मतलब अलग है, ये जैसे वीआईटी का एपी और भोपाल अलग अलग है, तो इनका यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड एक तरह की इंस्टीट्यूट है, बट एसआरएम ने क्या ना अपना आउटलेट सेम कर रखा है, तो इतना कंफ्यूजन है पता नहीं चलता है। एसआरएम दिल्ली एनसीआर ना मोदीनगर गाजियाबाद वाले को नहीं बोलते हैं, एसआरएम दिल्ली एनसीआर बोलते हैं सोनीपत वाले को, इसलिए कंफ्यूज मत होना, है ना। वो लोग भी दिल्ली एनसीआर बोलने लगे हैं, सोनीपत वाले भी, तो मेनली है तो ये गाजियाबाद में, वो सोनीपत में है, तो एक रीजन वाइज का थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसलिए मैंने इसको क्लियर किया। अब एसआरएम का बहुत लोगों को फीस स्ट्रक्चर ही नहीं मालूम, कैसे अप्लाई करेंगे, क्या होगा। सबसे पहली चीज, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, है ना। लिंक मैं इसका ऑफिशियल जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा। अब इनका जो फीस स्ट्रक्चर है उसके लिए मैं लिंक शेयर कर देता हूं। यहां पर आप कैंपस ऐसे सिलेक्ट करें, फुल टाइम करिए, यूजी प्रोग्राम चाहिए, आप सर्च कर दीजिए, आपको ये देखिए सारी फीस स्ट्रक्चर्स मिल गया। अब आप जैसे AI ML AI पढ़ना चाह रहे हो, 4,25,000 है, 180 का इंटेक है, पैरेलली इंटेक भी लिखा हुआ है, CSE बिजनेस सिस्टम के साथ पढ़ रहे हो, TCS का कोलैबोरेशन है, 60 का इंटेक है, फीस स्ट्रक्चर 375 है। बहुत बार बच्चों को क्या लगता है CS स्पेशलाइजेशन सबका फीस सेम है, ना, पर फीस नहीं चेंज है, वेरिएबल है। CSE फुल टाइम आप पढ़ोगे 4,75,000 फीस है। यहाँ पर CSE कोर ब्रांच की बात करोगे 4,75,000 फीस है, भैया पौने 5 लाख रुपए फीस, वीआईटी बन गया है पूरा ये। 1140 सीट इंटेक है कोर CS में। अच्छी चीज ये है, ईमानदारी की चीज है सारे की, मुझे जो लगती है सीट इंटेक इन्होंने पैरेलली रखा है, वीआईटी का भी सीट इंटेक नहीं बताता है, जबकि सीएससी में 3,000 बच्चे हैं वीआईटी में, तो जस्ट यू थिंक इट कि क्राउड वहां पर भी बहुत ज्यादा है, सिर्फ मेन कैंपस का बता रहा हूं। अब इस तरह से आप किसी का भी फी स्ट्रक्चर देख सकते हैं, किसी का 425 है, किसी का 375 है, तो एज पर योर बजट आप ब्रांच को सिलेक्ट करेंगे इन फ्यूचर काउंसलिंग रेफरेंसेस। बट फेज वन हो चुका है तो सीएस के बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है, ये अपने बाकी के अदर जो कैंपसेस उनको सेल करने वाले हैं या उनके लिए कन्विंस करने वाले हैं। तो वीडियो आज के यहीं तक, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीआईटी एक वीआईटी के बाद एसआरएम एक अच्छा ऑप्शन है, आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। फीस की डिटेल, एप्लीकेशन फॉर्म की डिटेल, एक इंपॉर्टेंट चीज और, अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन के लिए अप्रोच आउट कर रहे हो तो आप मेरी टीम से बात कर सकते हो, वी विल गाइड यू कि कैसा एसआरएम में डायरेक्ट एडमिशन आपको मिलेगा। वीडियो आज के यहीं तक, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्री गाइडेंस फॉर्म आप फिल कर दें तो वहां से हमारी टीम आपको रीच आउट कर लेगी। बाय बाय।